तो जो तीसरी जो लेवल है हमारी मैनेजमेंट की, वो है हमारी लोअर लेवल। अब लोअर लेवल में एग्जैक्ट वो लोग आते हैं जो एचएल में काम को करते हैं। अब जब हम यहाँ पर यहाँ अभी देखेंगे हम लोअर लेवल में कौन कौन लोग आते हैं। लोअर लेवल में जैसे कि सुपरवाइज़र आते हैं, क्लर्क आते हैं, वर्कर्स आते हैं, गेट कीपर्स वगैरह, ये लोग जो होते हैं लोअर लेवल में आते हैं। अब बात करें इनके फंक्शंस की, तो इनके फंक्शंस को कई बार समझने में एक दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत क्या है कि लोअर लेवल के जो फंक्शंस दे रखे हैं, कई बार तो हमें ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लोअर लेवल के जो फंक्शंस दे रखे हैं ये मिडिल लेवल के हिसाब से दे रखे हैं या लोअर लेवल के हिसाब से। तो देखो, लोअर लेवल में यहाँ पर जो फंक्शंस आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं वो एकदम लोवेस्ट लेवल से या लोवेस्ट लेवल वर्कर से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रखे। यहाँ पर लोवेस्ट लेवल वर्कर का मतलब कि लोअर लेवल में भी कई तरीके के वर्कर आते हैं, और इसमें जो सबसे नीचे जो आते हैं वो आते हैं हमारे गेट कीपर, उससे ऊपर जो आते हैं वो आते हैं हमारे क्लर्क, उससे ऊपर जो आते हैं हमारे वर्कर्स आते हैं, और सबसे ऊपर जो आते हैं सुपरवाइज़र। तो यहाँ पर जो आपको जो फंक्शंस जो एक्सप्लेन कर रखे हैं लोअर लेवल के, वो यहाँ पर सुपरवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रखे हैं, समझे। तो जो सबसे पहला जो फंक्शंस है वो लोअर लेवल का सुपरवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखो सबसे पहला जो फंक्शन वो क्या है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब कि वर्कर्स को जो भी परेशानियां होती है काम करते दौरान, उन परेशानियों को सुनना, रिप्रेजेंट करना। अगर वो परेशानी वो खुद सॉल्व कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो अगर वो परेशानी वो सॉल्व नहीं कर पा रहा तो आगे वो परेशानी जो है मिडिल लेवल को या मिडिल लेवल को फॉरवर्ड कर देगा, और मिडिल लेवल आगे चल के उसको टॉप लेवल तक फॉरवर्ड कर देगा। दूसरा जो फंक्शन से लोअर लेवल का, वो है गुड वर्किंग कंडीशन। यानी एक सुपरवाइज़र्स को अपने अंदर जो भी लोग उस लोअर लेवल के अंदर जो भी लोग वो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनको काम करने के लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, यानी प्रॉपर सैनिटेशन हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्लीनिंग हो वगैरह, क्लीननेस हो, सारी वो सारी की अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराना ताकि उनका मन लगा रहे काम को करने में। तीसरा जो फंक्शन से लोअर लेवल का, वो है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। यानी यहाँ पर एक सुपरवाइजर्स को जो है वो अपने वर्कर्स की सेफ्टी वगैरह का भी ध्यान रखना, उनको ये देखना है कि काम करते दौरान किसी वर्कर को चोट वगैरह ना लग जाए, उसको इस बात का भी ख्याल रखना। चौथा जो फंक्शन है वो है हेल्पिंग मिडिल लेवल्स इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। मान लो वैसे तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम मिडिल लेवल को होता है। मान लो जब पाँच बंदों की हमें हायरिंग करनी है, 10 बंदों की हमें हायरिंग करनी है, तब तो लोअर मिडिल लेवल आसानी से हायर कर लेगा। लेकिन मान लो अगर हमें 5,000-10,000 बंदों की हायरिंग करनी हो, तो ऐसी सिचुएशन में सारा का सारा मिडिल लेवल नहीं देख सकता, तो ऐसी सिचुएशन में लोअर लेवल भी उनकी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में मदद करता है। चौथा जो फंक्शन है हमारा, वो है वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स। यानी वर्कर्स कुछ भी सुझाव दे रहे हैं काम के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग, तो सुपरवाइज़र उनके उन सजेशंस को सुनता है, और अगर उसको वो सजेशंस अच्छे लगते हैं तो फिर वो सजेशंस वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। पांचवा जो फंक्शन है लोअर लेवल का, वो है बूस्टिंग वर्कर्स मोरल। बूस्टिंग वर्कर्स मोरल का मतलब, बूस्टिंग का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। यानी सुपरवाइजर्स का एक काम ये भी होता है कि वो अपने वर्कर्स का जो भी कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को वो बढ़ा सके, ताकि अपना वर्कर्स जो है उसको काम करने के लिए अपना 100% दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल ईजिली अकम्प्लिश हो सके। लास्ट जो फंक्शन है लोअर लेवल का, वो है मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सुपरवाइजर्स को ये भी ध्यान रखना है कि वर्कर्स जो है हमारा कम टाइम काम जो है टाइम पर करके तो दें, साथ साथ उसको ये भी देखना है कि रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का, और इफेक्टिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सकें। ये भी एक लोअर लेवल का काम है।